दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए हैं बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू रिक्रूटमेंट्स लेके। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं अच्छी अच्छी जिसमें वॉकिंग इंटरव्यू। दोस्तों पहली है ECIL, ये वॉकिंग इंटरव्यू है जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है 1 ईयर 2 ईयर के लिए। ये दोस्तों इंटरव्यू होने वाला है 9/2/2021 और ये मुंबई लोकेशन पूरा बताया गया आप जैसा कि सामने देख रहे होंगे। टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसीज हैं और जूनियर आर्टिसन के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वहाँ पे उसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है सभी के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो उसके लिए फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम 60%, और यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव। नेक्स्ट बात करूँ पोस्ट नंबर 2 की, तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद 60% मार्क्स और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ पोस्ट 3 और 4 के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों ITI 2 ईयर ड्यूरेशन वाला और यहाँ पर जो रिलेटिव ट्रेड बताई गई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपको बता दिया गया यहाँ पर किससे रिलेटिव होना चाहिए। और जो कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन होगा जो ECIL.go.in पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से वो इंटरव्यू आप वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और वहाँ से ये सारा भरना है। भरने के बाद सेल्फ अटेस्टेड सारी की सारी कॉपी करनी है जो वहाँ पर बताई गई, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी, PWD सर्टिफिकेट, ETC सेट बनाना है फोटो कॉपियों का। तो यहाँ पे उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और इंटरव्यू सब लेके जाना है। यहाँ पर जो आपका चयन होगा वो रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट के बेस पर होगा। आपको 9:30 से 2 बजे तक ये सॉरी 12 बजे तक चलेगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का है, तो नेक्स्ट वैकेंसी तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो यहाँ पर दोस्तों रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसीज हैं, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए वैकेंसीज हैं, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। या प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसीज हैं, जूनियर फेलोज, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी जैसा कि आप देख रहे हो। जनरल टर्म्स कंडीशंस दी गई जिन्हें आपको फॉलो करते हुए इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और इसे भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए फॉर 2020 पास आउट ओनली। GE इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड वैकेंसी है जो 4 फरवरी 8:30 से 10:30 बजे तक चलने वाला है। पूरा एड्रेस आपको दिया गया है। अब इसके बारे में ये जो है देखो पूरा एड्रेस आप देख पा रहे हो, अब इसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर मांगा गया, क्राइटेरिया क्या क्या है। वीनस ऑलरेडी आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे, पूरा एड्रेस आपको दिया गया है यहाँ पर। DY पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी, फ्रेशर 2020 के पास आउट, जॉइनिंग जो इमीडिएट कर सकता है उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल वाले जा सकते हैं। सेकंड फर्स्ट क्लास इन SSC एंड डिप्लोमा विदाउट एनी बैकलॉग। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर दोस्तों फील्ड इंजीनियर ITI डिप्लोमा वाले के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जिसका एज लिमिट 18-30 है। यहाँ पर सैलरी भी 7500 रुपये जैसा रखा गया है प्लस जो भी अलाउंस है और 20 वैकेंसी हैं। यहाँ पर इंटरव्यू HR राउंड जो भी बता दिए यहाँ पर और ट्रेनिंग पीरियड 1 वीक। और यहाँ पर दोस्तों पूरा आपका रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया जो 6/2/2021 को इंटरव्यू होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। नेक्स्ट वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पे SML क्वालिटी कंट्रोल, M Pharma, B Pharma, MSc। एड्रेस आपके सामने दिया गया पूरा,
जो 6 फरवरी 2021 10:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा सैटरडे को। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव बहुत सारी वैकेंसी आपसे रिलेटिव है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल आईडी आपके सामने दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी वॉकिंग इंटरव्यू जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ऑल ओवर इंडिया फ्रेशर्स के लिए 2017-18-19 के पास आउट के लिए, जहाँ पर BE EEE डिप्लोमा EEE टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए वैकेंसी है, जो दोस्तों 100+ वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट के लिए ओनली। 6 फरवरी 2021 को इंटरव्यू होने वाला, 9 बजे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और चेन्नई लोकेशन दी हुई है। ये पूरा एड्रेस है इसका। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है 8939837013, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिज्यूम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। नेक्स्ट वैकेंसी आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर्स प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों BE BTEC केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम 18 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट बता दिया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए BE BTEC इलेक्ट्रिकल से माना, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 18 ईयर एक्सपीरियंस, एज लिमिट बता दिया गया। नेक्स्ट सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन के लिए, यहाँ BE BTEC केमिकल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में 15 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ BE BTEC केमिकल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के लिए, BE BTEC केमिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे बात करूँ क्राइटेरिया और आपकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो चीज़ यहाँ पर बता दी गई हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कट ऑफ है जो 1/1/2021 के हिसाब से कट ऑफ है, और एज लिमिट यहाँ पर बता दी गई है किसके लिए कितना कितना छूट दिया जाएगा वो चीज़ यहाँ पर बता दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग है वो 1 फरवरी है और ये 15 फरवरी 2021 मिडनाइट तक चलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं www.aasampetrochemical.co.in, या मैं आपको दिखा दूंगा लिंक, यहाँ पर आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसकी बता दी गई हैं। तो अब चलते हैं कहाँ से लिंक मिलेगा। तो दोस्तों मैंने गूगल पर सर्च किया आसाम पेट्रोकेमिकल, जैसे सर्च किया यहाँ पर आ गया, तो मैं कैरियर वाले ऑप्शन को प्रेस कर देता हूँ। या अंदर जा के भी आप कैरियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कैरियर ऑप्शन डायरेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख रहे होगा यहाँ पर एप्लीकेशन मुझे इजीली मिल गया है, एप्लीकेशन और अप्लाई लिंक भी मुझे मिल गया है। तो मेरा जो लिंक है वो जो नीचे वाला है अप्लाई, और ये नोटिफिकेशन है। अब मैं अप्लाई वाली को प्रेस कर देता हूँ, मुझे अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन न्यू हो तो न्यू पे प्रेस कर दो आप, तो जो नया है मेंबर वो नए पे प्रेस करेगा और उसके सामने एक नया आ जाएगा, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी जो आपसे रिलेटिव रहेंगे, जॉब से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशंस। जैसा कि आपको सामने ओपन हो गया अभी, तो यहाँ पर देखो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे असिस्टेंट मैनेजर के लिए करना है तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स डालता जाऊँगा जो जो मांगी यहाँ पर सारी डिटेल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लो। जय हिंद, जय भारत।